हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ, ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी है। इसे आप तीसी कह सकते हैं, इसे अलसी कह सकते हैं, या इसे फ्लैक्सीड भी कह सकते हैं। देखिए, दिखाती हूँ, एक मिनट। क्लियर नहीं दिख रहा? अभी मैं इसे कढ़ाई में डालती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको क्लियर। तो आज हम इसकी चटनी बनाएंगे। एक्चुअली हम इसका प्रीमिक्स बना के रखेंगे, चटनी का प्रीमिक्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैंने साफ़ किया है, हालांकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, कोशिश की अच्छी तरह से क्लीन करने की। तो मैंने इसको चुन करके काफ़ी तक क्लीन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत इसमें हो मिट्टी, तो मैंने इसलिए इस जाली में रखा है ताकि अगर हो बारीक मिट्टी निकल जाए। तो इसको हम सबसे पहले भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं कढ़ाई ले लेती हूँ पहले, और इसको मैं ड्राई रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अलसी को ड्राई रोस्ट करने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई ली है, और अब इसमें मैं अलसी ऐड करूँगी। ये रोस्ट करने में ना छटकता भी बहुत है, बहुत उड़ेगा ये जब कढ़ाई अच्छे से गर्म होगी। देखिए, आवाज़ आनी शुरू हो गई है इसमें। तो इसको मुझे ढक के भूनना पड़ेगा। देखिए, अभी उड़ना शुरू हो गया। अब इस पर कुछ कवर लगा देती हूँ मैं, और फिर इसको भूनती हूँ। देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गया है, मार्क भी आ गया रोस्ट का, और फूट के पॉपकॉर्न जैसे बन गए हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, मैंने वापस इसी जाली में ले लिया है, इसको मैं झाड़ दूंगी, थोड़े बहुत जो भी और मिट्टी अगर होगी निकलनी तो वो निकल जाए अच्छे से। और अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाए, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसका, तो फिर मैं इससे चटनी तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए ये भी आ गया है रूम टेम्परेचर पे, और इसको मैंने अब मैं छू पा रही हूँ, बहुत इतना गर्म नहीं है। और इसके लिए प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें जो चाहिए, देखिए ये हरी मिर्चें हैं, और ये पूरा एक लहसुन है। तो इन सबको मैं डाल के इसको मैं ड्राई पीस के तैयार करूँगी इसका पाउडर। तो पहले ये डाल देती हूँ, और उसके बाद फ्लैक्सीड ऐड कर देते हैं इसमें, और अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, मैं तो 2 चम्मच इसमें डालने वाली हूँ। और फिर इसका जब पाउडर तैयार हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए ये बनके हमारा पाउडर तैयार हो गया है, चटनी प्रीमिक्स। और जब भी आपको चटनी तैयार चाहिए हो, आप एक प्याले में 2-3 चम्मच ये पाउडर डालें, तो थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दें, तो ये परफेक्ट चटनी बनके तैयार हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। तो ये देखिए कितना अच्छा सब पिस गया है, और क्योंकि इसमें ऑयल बहुत होता है ना, तो ये देखिए कैसा गीला गीला सा हो गया थोड़ा, इसका ऑयल भी तैयार होता है। तो अब मैं इसकी चटनी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैं इस जार में डाल के रख दूँगी, और जब जब मुझे चाहिए होगा, 5 मिनट पहले मैं पानी ऐड करूँगी, और ये हमारा चटनी बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा प्री मिक्स है, अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी।
और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और साथ में मैं इसमें डालूंगी ये अनियन जो बारीक चॉप की है। और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच सरसों का तेल, अच्छे से मिक्स करके इसको रख देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट बाद इसका फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स देखें फाइनल लुक हमारी चटनी की ये देखें, और अभी जितना इसको हम छोड़ेंगे ना रख के उतना ज़्यादा ये और गाढ़ा होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैंने बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी डिलीशियस सी चटनी बना के तैयार की है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है और इसमें काफ़ी लबाव होता है, इसकी वजह से हमारे ये जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, हमारे हेयर के लिए भी अच्छा है और जैसे कमर दर्द होता है किसी को उसके लिए भी फ्लैक्सीड, तो आप जानते होगे इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप सभी को पता होगा। तो एक ये इस फॉर्म में भी हम इसको खा सकते हैं, वैसे ये गर्म बहुत होता है, इसको बहुत ज़्यादा ना खाएं तो इससे प्याज भी बहुत लगेगी। तो ये चटनी के तौर पे ये कि हम थोड़ा खा भी लेंगे और तो ये थी हमारी आज की चटनी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा बन के तैयार हुआ आपकी चटनी। प्रीमिक्स है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जैसे कि कोई भी खाना है, कोई भी ऐसी सब्ज़ी है तो उसके साथ हमें बनाना है। तो देखिए मैंने जार में डाल दिया है, बस 2 चम्मच इसको पानी में घोल के तैयार करूँगी, थोड़ा सा अनियन चॉप करके डालेंगे और 1-2 चम्मच सरसों का तेल डाल के एक नंबर की फर्स्ट क्लास की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो जी ये थी हमारी आज की चटनी, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।